और जैसे कि आपको बताया कि तीन ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, और अगर आप ऊपर देखेंगे तो ये आपको यहां पे साइडवेज बना हुआ दिखेगा। अब इसके अंदर बड़े कमाल की बात देखें, ये जो साइडवेज है ये एक बड़ी कमाल की चीज है। वो कैसे कि अगर अप ट्रेंड के बाद साइडवेज आएगा तो उसका मतलब क्या होगा, उसके 60 से 70% चांसेस होंगे कि वो डिस्ट्रीब्यूशन फेज बनेगा। यानी कि वहां पे अप ट्रेंड के बाद अगर साइडवेज आता है वो डिस्ट्रीब्यूशन फेज बनेगा, और अगर डाउन ट्रेंड के बाद साइडवेज आता है तो उसका मतलब क्या होता है कि वो एक्युमुलेशन फेज बनता है। यानी कि वहां पे माल जमा किया जाता है और मजीद ऊपर की तरफ ले जाया जाता है। तो की पॉइंट याद रखना है, अप ट्रेंड के बाद साइडवेज आएगा तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन के चांसेस हैं, डाउन ट्रेंड के बाद साइडवेज आएगा तो उसके चांसेस हैं एक्युमुलेशन फेज के। लेकिन हमने ना एक इस सवाल है डिस्ट्रीब्यूशन में पार्टिसिपेट कर, जी जी सर, सर, एक सवाल सर यहां पर, ये जब भी आपने कहा कि अप ट्रेंड के बाद डिस्ट्रीब्यूशन फेज आता है फिर डाउन ट्रेंड आता है, ऐसे ही है? जी। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन फेज जो है अगर ना आए तो फिर अचानक भी आ सकता है डाउन ट्रेंड, उसमें भी कोई मसला नहीं, अचानक अचानक, भी आ ठीक, सकता है, अग्रीड अग्रीड, अचानक भी आ सकता है, अग्रीड। अचानक भी आ, दोनों सूरतें हैं सर। वो तो हम जब देख रहे हैं कि यार ऊपर गया है, साइडवेज के अंदर चला गया है, तो हमने वहां पे कोशिश करनी है प्रॉफिट टेकिंग करें, क्योंकि हमें दिख रहा है कि यार ऊपर जाने के बाद ये साइडवेज में गया है। ऊपर जाने से मुराद क्या है, यानी कि उसका RSI, जो अभी हम आगे आपको बताएंगे, उसका RSI 70 से अबव है और वहां पे वो साइडवेज चला गया है। ये पूछना था कि अप जी ट्रेंड के बाद जब साइडवेज आ जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज, आपने कह दिया डिस्ट्रीब्यूशन फेज क्या होता है और एक्युमुलेशन फेज क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि वहां पे माल डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, प्रॉफिट टेकिंग की जाती है, माल चिपकाया जाता है, ये अल्फाज इसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने कोशिश ये करनी है कि वहां पे हमने भी प्रॉफिट टेकिंग करनी है, लेकिन ये चांसेस 60 से 70% के होते हैं, कोई भी चीज 100% नहीं है, बात समझ रहे हैं। यानी हो अप सकता है ट्रेंड कि वहां के पे, साथ जब साइडवेज आ जाएगा तो 60 से 70% चांसेस है कि नीचे आ जाए। हाँ, वो नीचे आएगा, उसके 60 से 70% चांसेस बनेंगे। अच्छा, और डाउन ट्रेंड के साथ जब साइडवेज आ जाए तो उसकी 60 से 70% चांसेस है कि वापस ऊपर जाएगा। हाँ, वहां माल जमा होगा, एक्युमुलेशन का मतलब है जमा करना, वहां पे माल जमा होगा। और जमा होने के बाद लोग फिर ऊपर बेचते हैं। हाँ, जाहिरी बात है, अगर आप नीचे लेंगे तो आप ऊपर बेचेंगे, अगर आपने ऊपर कहीं पकड़ लिया, कहीं आप डिस्ट्रीब्यूशन फेज में शामिल हो गए, आपको पता नहीं है चार्ट के बारे में, कैंडल के बारे में, और आप अगर डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो स्क्रिप्ट ले लेते हैं, उसके बाद नीचे आना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो पकड़ते हैं उसको, बड़े ऊपर जा गए। जी सर। अच्छा फिदा तो भाई, जैसा ये कि आपने जी ये जी साइन किस तरह आपने इसको पकड़ा है कि ये साइडवेज में जा चुका है और ये डाउन ट्रेंड में जा चुका है, ये किस साइन से, किस तरह आपने इसको यानी कि रीड किया है? देखिए, डाउन ट्रेंड, जैसे मैंने आपको बताया कि डाउन ट्रेंड, इसने अपनी सपोर्ट को, इस फर्स्ट को तोड़ा तो ये डाउन ट्रेंड में आ गया। अब अगर ये अपनी रेजिस्टेंस को तोड़ता है, यानी कि ये ओपन प्राइस, अब फर्ज करते हैं कल मार्केट ओपन होती है और ये 56 रुपए 49 पैसे 3:15 बजे ये इससे ऊपर हो, तो समझे इसके अंदर बाई की कॉल जनरेट हो गई। ये आप आर्ली बता रहे हैं या डे बता रहे हैं? डे 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 बता रहा हूं, डे बता रहा हूं। डे वाला बंदा हमेशा 3:15 बजे डिसीजन लेगा, जुम्मे वाले दिन 4:15 बजे डिसीजन लेगा, घंटे वाला बंदा वो घंटे की क्लोजिंग पे डिसीजन लेगा, वीकली वाला बंदा, जो बंदा वीकली चार्ट फॉलो करता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, वो कहता है जी मैं लॉन्ग टर्म मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है, तो वो वीकली चार्ट को फॉलो करेगा। वीकली चार्ट वाला बंदा फ्राइडे वाले दिन 4:15 बजे वो एंट्री लेगा, क्योंकि वीकली कैंडल फ्राइडे की क्लोजिंग के बाद कंप्लीट होती है। सही 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 सही, बिल्कुल सही। तो ये नहीं कि आप जो आवरली पे लोग काम कर रहे हैं वो 3:15 बजे का इंतजार करेंगे, नहीं, वो अपने ट्रेंड को फॉलो करेंगे। अच्छा, आपने अभी अपने ही ट्रेंड को फॉलो करना है, आपने ट्रेड में एंट्री से पहले ही ये डिसाइड कर लेना है कि यार मैं इसे डे के चार्ट पे ले रहा हूं, मैंने, मेरी जो वर्किंग है मैंने इसमें डे पे कर रखी है, मेरी वर्किंग इस पे आवरली है, मेरी वर्किंग इसके ऊपर वीकली है, मैं किस वर्किंग के, ये आपने एंट्री से पहले डिसाइड करना है। और एंट्री जब कर रहे हैं ना, तो आपको एग्जिट का पता होना चाहिए उसी टाइम, यार मैं एंट्री तो कर रहा हूं इसमें, इस जगह पे, और मुझे एग्जिट करना है इस जगह पे, भले उसके बाद ये चांद पे चला जाए, उससे मुझे सरोकार नहीं है। वो हम कैसे मैं आपको एक पकड़ते मिसाल हैं? दे रहा हूं, वो नेक्स्ट रेजिस्टेंस, अब फर्ज करते हैं कि फर्स्ट रेजिस्टेंस तोड़ता है कल एवियन, ठीक है, ये 56 रुपए 50 पैसे राउंड फिगर में समझे, 56 रुपए 50 पैसे को क्रॉस करता है, तो
तो फिर हमें क्या लगेगा कि ये अपनी अब इस रेजिस्टेंस तक जाएगा। तो जैसे ही यहां पे पहुंचता है तो यहां पे हमारा काम है कि प्रॉफिट टेकिंग करने की, अगर हम शॉर्ट टर्म में रख रहे हैं। अगर हम कहते हैं कि नहीं यार मुझे थोड़ा सा और भी होल्ड करना है, मुझे लग रहा है कि इसका ट्रेंड मजीद भी ऊपर जाएगा, तो फिर आप उसे ट्रेल कर सकते हैं। मतलब जो भी ग्रीन कैंडल बनेगी, जैसे कि ये ग्रीन कैंडल बनी, आपने इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस, फिर अगली ग्रीन बनी उसके नीचे स्टॉप लॉस, अगली ग्रीन बनी उसके नीचे स्टॉप लॉस, अगली ग्रीन बनी उसके नीचे, इस तरह आप उसे फिर ट्रेल कर सकते हैं आगे की तरफ। और आपके इंडिकेटर जो आपको बताए जाएंगे वो भी आपको ट्रेल करवाएंगे, वो नीचे आपको सपोर्ट ऑटोमेटिक देते जाएंगे कि जी अभी मत बेचना, अब बेचना जब वो सिग्नल जनरेट करेगा, तो वो आपको ऑटोमेटिक वो सपोर्ट भी देते जाएंगे और ऑटोमेटिक रेजिस्टेंस भी देते जाएंगे। सिद्धार्थ साहब, ये सबसे पहला कैंडल कौन सा है डे का, सबसे पहला कैंडल कौन सा स्टार्ट हो रहा है, इसमें मुझे मैप में से बताते हैं जरा। मतलब जो जो आखिरी दिन का कैंडल है वो तो ये है ना, लेकर जाइए उसके कर्सर लेकर जाइए, ये रहा ना, मैं सारी मार्किंग हटा के देखिए जो लास्ट कैंडल है हमें उसके ऊपर फोकस करना है ना कि लास्ट कैंडल कहाँ पे है। ये रही लास्ट कैंडल इसकी, ये कब की है, ये करंट डे की है। जी जी ये फ्राइडे वाले दिन की है ना। अच्छा, ये पूरे दिन फ्राइडे की है, और इसके साथ वाली जो ग्रीन है वो जुमेरात की है। अच्छा, यानी कि उससे ये एक दिन बुध पहले की है। की। हाँ मतलब एक एक दिन की कैंडल है ना। ठीक है, लेकिन अभी आप जो क्या कहते हैं डाउन ट्रेंड और डिस्ट्रीब्यूशन साइडवेज में जो आप लगा रहे हैं, वो आप मिड ऑफ विंडो के बीच में, यानी कि आके यहाँ से आप सर्कल कर रहे हैं, ये किस तरह हम उसको फिर नहीं, मैं तो समझाने के लिए कह रहा हूँ ना, देखें इस टाइम करंट जो है इस टाइम तो ये डाउन ट्रेंड के अंदर है ना। मैंने तो आपको समझाने के लिए कहा कि यार ये ऊपर जाने के बाद साइडवेज में चला गया, तो ये जो है ना इसका जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन फेज बना। और वहां पे देखिए मान लो उसने डिस्ट्रीब्यूट किया है, पांच कैंडल एक ही जगह पे बनी है, वहां पे उसने तामुल से माल चिपकाया और फिर नीचे की तरफ आया, वो आपको होता हुआ भी वहां दिखेगा कि यार अब ट्रेंड के अंदर साइडवेज आ गया, तो इसने क्या किया लोगों के साथ। माल चिपका के फिर वापस नीचे आ गया। सुबह के मार्केट में प्रेशर है या आपके स्क्रिप्ट में प्रेशर है, तो आपकी जो कैंडल जो है वो स्टार्ट हो रही है नेगेटिव से, और जब क्लोजिंग तक वो आ रहा है तो हो सकता है कि उसके अंदर पॉजिटिविटी आ जाए। मौत और घाक का कुछ पता नहीं, ना जाने कब बायर आ जाए। इसकी जो पॉजिटिव कैंडल होगी वो फिर दूसरी बनेगी क्या, वही कैंडल ग्रीन बन जाएगी, वही कैंडल, वही वही कैंडल होगी, वही कैंडल ग्रीन हो जाएगी। भाई इधर एक मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, शबीर हुसैन बात कर रहा हूँ। ये जो आपने जी, 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 बोला है कि डिस्ट्रीब्यूशन और साइडवेज में जो डिस्ट्रीब्यूशन बनती है और अकुमुलेशन होती है, ये क्या सिर्फ आवरली में होगी या डे में भी हो सकती है ये? हर ट्रेंड में, हर ट्रेंड में, 5 मिनट का ट्रेंड हो, 15 मिनट का ट्रेंड हो, आधे घंटे का हो, मतलब आप किसी भी ट्रेंड को फॉलो करते हैं, वीकली मतलब मंथली सब में ये बनेगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया, चलिए थैंक यू। सिद्धार्थ साहब मैं अजर बात कर रहा हूं, मैं इस कैंडल जो जुमे के दिन की कैंडल बननी है ये नेगेटिव कैंडल बनी है जी, तो अब ये जो ये कैंडल नेगेटिव बनी हुई है तो हमारा जो बेसिकली जो क्या कहते हैं रेजिस्टेंस है उसका लेवल क्या है ये यहाँ पर इस वक्त? इसकी ओपन प्राइस 56.50, 56.49 रेड है जी, यहाँ पे लगा भी लेते हैं क्योंकि कैंडल रेड है, कैंडल जब रेड है तो उसकी ओपन प्राइस जो है ना वो रेजिस्टेंस का काम करेगी। ये इसकी रेजिस्टेंस है। हाँ, अगर ये कल तोड़ता है इस रेजिस्टेंस को, 3:15 बजे आप देख रहे हो कि ये इसे तोड़ रहा है, तो इसके अंदर बाई की कॉल जनरेट हो जाएगी। सुबह नहीं परचेज करना, सुबह नहीं, दिन में नहीं, जो डे सुबह जो है ना वो लोग परचेज करते हैं कि जो 15 मिनट के चार्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, 30 मिनट के चार्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, जो आवरली काम कर रहे हैं, वो उन लोगों का काम है दिन में परचेजिंग करना। अगर आप डे पे काम कर रहे हैं तो आपने जो है ना वो दिन के आखिरी में आपने Agreed. फिदा साहब, ये जब आपने कहा कि इसका जो जो सपोर्ट है वो इसकी ओपन बन गई है, तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है कैंडल वाइज हम डिस्कस कर रहे हैं, हर कैंडल की हर कैंडल वाइज हम सपोर्ट रेजिस्टेंस ऊपर नीचे करेंगे इसको। बिल्कुल बिल्कुल, अब फर्स्ट रेजिस्टेंस सर इसके लिए ये है, अब इसके पास सपोर्ट क्या है, देखें ये ग्रीन कैंडल की ओपन प्राइस आप सपोर्ट रख सकते हैं, हमने रेजिस्टेंस तो डिस्कस किया, अब सपोर्ट क्या बनेगी, ये ग्रीन कैंडल जो कि कैंडल यहां बनी हुई है, ये रही,
इस कैंडल की ओपन प्राइस। अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको यहां से ये सपोर्ट लेता हुआ भी दिखेगा, तीन दफा उसने यहां से सपोर्ट ली है अपनी सपोर्ट से। सही, एक दफा बाउंस हुआ, फिर उसके बाद बाउंस हुआ, और फिर फ्राइडे वाले दिन भी इसी सपोर्ट से बाउंस किया इसने। ठीक है, अगर ये सपोर्ट भी टूट जाती है तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट हम लगाएंगे जो कि अगली ग्रीन कैंडल की ओपन प्राइस बनेगी, फिर उससे अगली ग्रीन कैंडल की ओपन प्राइस बनेगी। ग्रीन कैंडल की ओपन प्राइस सपोर्ट का काम करेगी और रेड कैंडल की ओपन प्राइस रेजिस्टेंस का काम करेगी। ये चीज आपने क्लियर करनी है क्योंकि आगे आपकी सारी वर्किंग इसके ऊपर टिकी हुई है। आप एक दफा रिपीट करेंगे इसको? इधर साहब ये दोबारा वर्ड बोलिएगा, ये जो आपने बोला है ग्रीन कैंडल के नीचे जो ड्रिलिंग है, ग्रीन कैंडल की जो ओपन प्राइस है वो आपके पास सपोर्ट का काम करती है, रेड कैंडल की जो ओपन प्राइस है वो रेजिस्टेंस का काम करेगी। सही है, सही है, सही है, सपोर्ट का। अच्छा फिदा भाई, ये राइट लेफ्ट साइड पे तीन ग्रीन कैंडल आ रही है ना, तीन दफा सपोर्ट ले रहा है, तो क्या इससे अगर जितनी ज्यादा ग्रीन कैंडल होगी या रेड कैंडल होगी तो उससे फर्क पड़ता है कि उसकी जो रेजिस्टेंस है या सपोर्ट है उसकी स्ट्रेंथ कम या ज्यादा हो इन चीजों की वजह से? हाँ हाँ बिल्कुल, देखें अगर कहीं से वो बार बार सपोर्ट ले रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो सपोर्ट मजबूत है। अगर कहीं से वो बार बार रेजिस्ट हो रहा है तो उसका मतलब क्या है कि वो रेजिस्टेंस स्ट्रांग है। जी बेहतर हो गया।